ऐसे करती ना, अलग मम्मी ने कैसे तरीके करती हो से। थोड़ा। हाँ तो भाई जो जिसका अपने समर वेकेशन समर वेकेशन में ये इतना नर्वस हो गए हैं कि बोल नहीं पाए हैं, फिर से ट्राई कर लो। वेलकम बैक टू लखनऊ कल्पना व्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो पहले काम करते हैं, ये है मेरी बिंदी जो हम डेली अपने शॉर्ट में लगाते हैं। तो पहले तो चलिए अब शुरुआत करते हैं आगे की व्लॉगिंग की। तो मिलवाते हैं अपनी लाडो रानी से, और कल हाँ मेरा बड़ा भांजा सेवांश आए हुए, तो सेवांश से भी मिलवाते हैं। चलिए फटाक से भाग के चलते हैं। समर वेकेशन में ये इतना नर्वस हो गए हैं कि बोल नहीं पाए हैं, फिर से ट्राई कर लो। राधे राधे गाइस, मैं आ चुका हूँ। मैं अपने समर वेकेशन में स्कूल के नानी के वहाँ घूमने आया हूँ जी। तो सेवांश कल आए, थोड़ा सा घबरा जाते हैं क्योंकि कैमरे में कैमरे के सामने जो आ नहीं है, जाहिर सी बात है घबराएगा। हमें भी याद है जब हम फर्स्ट ब्लॉगिंग कर रहे थे, कर नहीं पाए थे, 5-6 महीने का गैप ले लिया था। हम भी तो किए थे। हाँ सेवांश भी थे उस टाइम, जय श्री राम करके, और भाई के फोन में जय श्री राम वाला मैसेज लगा है, वही पहले बोल दे रहा था भाई। हाँ तो बहुत ज़्यादा ट्राई किया था, हो नहीं पाता, इतनी घबराहट थी समझ लीजिए। उसमें मेरा टाइम 1-2 घंटा गया था, ब्लॉगिंग हो नहीं पाती थी। फिर क्या किया, चलो 1 मिनट का एक शॉर्ट तैयार कर लेते हैं। शॉर्ट भी तैयार किया, वो भी अपलोड नहीं पाया क्योंकि पता ही नहीं था, क्योंकि मेरे सामने कोई आसपास था नहीं जो जिसकी हम नकल कर पाते। फिलहाल कोई नहीं मिला। अच्छा अब लाते हैं अपनी लाडो रानी से। अच्छा मेरा शॉर्ट पढ़ चुका होगा, ए सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा एक लॉन्ग वीडियो पढ़ चुका होगा मेरी लाडो रानी की जर्नी, क्योंकि उस टाइम वीडियो पोस्ट नहीं कर पाए थे। तो एक सेकेंड देखिए, आपको देख रही है, वो हमें देख रही है, उधर देख रही है। तो उस टाइम अपनी लाडो रानी का वीडियो हम पोस्ट नहीं कर पाए थे, ब्लॉग ब्लॉगिंग तो वैसे सारी की सारी बनाई थी। तो अब एक काम मैंने किया है, वो सारी ब्लॉगिंग ना एक शॉर्ट शॉर्ट करके, थोड़ा जो फर्स्ट डे सेकेंड डे थर्ड फोर्थ जितने भी डेज थे वो सारे एक ब्लॉग में कर दिए। तो प्लीज़ आप लोग उसको देखिएगा जरूर, और आवाज धीमी देखिएगा जरूर। और क्या बोल रहे थे हम, हाँ तो ये वो ब्लॉग पहले आ चुका होगा, ये उसके बाद जाएगा क्योंकि उसको आज हम पोस्ट कर देंगे। और प्लीज़ आप लोग मेरे ब्लॉग को खूब सारे प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए एंड इसी तरह बने रहिए। और प्लीज़ बेल आइकन को आप लोग प्रेस जरूर करिएगा, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन जब जाएगी तभी मेरे वीडियोस आप देख पाएंगे। तो मिलाते हैं अपनी लाडो रानी से। पहले ना इसको अपने फ़ोन पर सेट कर देते कहीं, कैमरा हमने ऑन ही नहीं किया था। सेवांश बताइए कैमरा ऑन नहीं है, उसको ऑन करना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा बता दिया, वरना कई बार तो ऐसा हुआ है अच्छे से शॉट ले लिया, बाद में देखा तो व्लॉग बना वो शूट ही नहीं हुआ। तो ये है मेरी लाडो रानी, हम सबकी लाडो, इसलिए हमने इनको लाडो रानी नाम दिया, ये हमने ही रखा है। गाइस आज लाडो रानी के लिए कपड़े आए हैं, ये भाभी की छोटी बहन ने दिए हैं। तो एक ये फ्रॉक हुई और एक ये है। वैसे इनके लिए कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ये डेली के लिए हैं इस टाइम, क्योंकि गर्मियां हैं तो गर्मियों के हिसाब से ये फ्रॉक आई हैं, ये आई है और ये हैं। और भी एक मतलब कि मम्मी पापा गए हैं बड़ी बुआ के बर्थडे, उनकी क्या है पोती है लवण्या नाम है, उनका आज बर्थडे है तो मम्मी पापा वहीं गए हैं। और कपड़े भी जो लेकर आए थे लेकिन वो हम आपको दिखा नहीं पाए, फ्रॉक बहुत ज़्यादा सुंदर थी। कपड़े और भी हैं, कपड़े वैसे इनके पास कपड़े बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि ये हैं, ये लोकेश हैं जो भाभी के बड़े पापा के बेटे हैं वो, और ज्योति, उन ज्योति की शॉपिंग है ये, उन्होंने ज्योति ने शॉपिंग करी है और तो कपड़े भिजवाए थे, जिसमें से ये थोड़े हैं क्योंकि ऊपर ही थे तो दिखा रहे, लेकिन कपड़े और भी भिजवाए थे भाभी के लिए, एक साड़ी भी भिजवाई थी जो काफ़ी सुंदर है। मौका मिलेगा तो हम बिल्कुल दिखाएंगे कि लाडो लाने के लिए क्या क्या आया है, कि काफ़ी चीज़ें आई हैं और ये कपड़े कुछ थे जो आज मम्मी लेकर आई हैं। और तो गाइस मम्मी पापा आ चुके हैं जैसे कि आपने देखा है, और अभी मैं लाइव भी हो चुका, तो प्लीज़ आप लोग 9:30 बजे लाइव जरूर आया करिए रोज। तो ये लाडो रानी अभी सुन रही है हनुमान चालीसा, मेरी भाभी इनको सुनाई हनुमान चालीसा, वैसे हम भी इनको हनुमान चालीसा सुनाते हैं, अष्टक थोड़ा सा अष्टक सुनाते हैं, फिर राम स्तुति सुनाते हैं लाडो को अपनी। वो कैसे करती है वो कैसे करती है सुबह टीवी में, नाना की टीवी में पता नहीं, नाम हमने कभी ध्यान नहीं दिया, यही चीज मेरे में बहुत खराब है।
हम मूवी देख लेंगे नाम नहीं ध्यान रहेगा, सीरियल देख लेंगे नाम नहीं ध्यान रहेगा, गाना देख लेंगे हमें उसमें एक्ट्रेस का नाम नहीं ध्यान रहेगा, गाना नहीं पूरा ध्यान रहता है, हल्का फुल्का सा रहता है, तो वो ऐसे करती है वो कैसे करती मैडम जी क्या नाम है सॉरी हमें आपका नाम नहीं पता है ऐसे करती ना हाँ तो भाई जो जिसका रियलिटी होगी वो अलग तो कॉपी कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। जब तक के हम बैठेंगे तब तक के ये मेरी कोको भी बैठेंगी, तो कोको भी बैठी है। वैसे जो पता है पता है जहाँ जाएंगे वो यहाँ जाएगी और इसका क्या काम है नीचे आती है तो ये क्या करती है उस रूम में कुछ पड़ा होगा कोई कपड़ा जो जिसे कुर्सी पर रखी थी रखा होगा तो ये उठा के भागेगी। अभी यहाँ पे ही रखा है ना ये भी सूख रही थी उठा के भाग जाती है। इससे बड़ी भाभी बहुत परेशान रहती है क्योंकि उस दिन मोजे पड़े हुए थे गंदे मोजे थे भाई ने साइड में निकाल के रख दिए वो उठा के भाग गई और भी कई चीज़ें थी वो जो लेके भाग जाती है। इसकी ये हरकत है। कोका इधर देखो लो कोको चले घूमे चले कोको चलो बेल्ट कहाँ है कोको की बेल्ट कहाँ है पट्टा कहाँ है कोको का पट्टा कहाँ है रस्सी कहाँ कोको की। तो गाइस इस ब्लॉग को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए इतने पे ही रोकेंगे क्योंकि वैसे ही ब्लॉगिंग बड़ी हो गई हो। प्लीज़ इसके पहले जो हमने ब्लॉगिंग डाली उसको आप चेक करिएगा इंपॉर्टेंट ब्लॉगिंग है क्योंकि स्पेशल हम लोग की स्पेशल ब्लॉगिंग है। तो फिर आपसे मिलेंगे अगले ब्लॉग में जब तक के लिए बाय बाय गुड नाइट थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ बेल आइकन को दबाइए और मेरे वीडियोस आप तक पहुँचेंगे क्योंकि नोटिफिकेशन पहुँचेगी। और फिर आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में अगले व्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट बाय बाय राधे राधे हरे कृष्णा।